धोखाधड़ी के मामले में हरियाणा की फेमस डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अदालत ने उन्हें देश न छोड़ने का आदेश दिया है, साथ ही उनकी कारों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। क्योंकि सपना चौधरी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफिस विंग में एक ज्वाइंट शिकायत दर्ज कराई थी और मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था और अब उनकी कारें जब्त करने का आदेश दिया गया है। दरअसल जिन कारों को जब्त करने का आदेश दिया गया है, उन्हें खरीदने में इस्तेमाल पैसे का ही सारा विवाद है। आरोप है कि सपना चौधरी ने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे, उधार के पैसों से कार खरीदी थी, कार खरीदने के बाद लोगों को पैसे नहीं लौटाए, अब इन्हीं पैसों से खरीदी कार को जब्त करने का आदेश दिया गया है और केस को लेकर दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। Zee News.